हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का स्वागत है। और ये छुट्टी वाला दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी सारे 9:30 या 9:45 का टाइम है। तो यहाँ पर अभी अभी बच्चे उठे हुए, तो मैंने सोचा चलिए अभी जो है घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यहाँ की जो है बेडशीट मैंने हटा दी है, और अभी मुझे धुलनी थी इसलिए। उसके बाद में बेडशीट मतलब बेड को अच्छे से झटक दिया, उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू लगा के और यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो सुबह सुबह ये सारे काम हो जाते हैं तो दिन भर के लिए मतलब फुर्सत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सारे काम कोशिश तो करती हूँ कि सुबह हो जाए, जो होते हैं वो कर लेती हूँ, नहीं हो पाते वो फिर दिन में करती हूँ। तो यहाँ पर आज तो जो छुट्टी थी तो इसलिए मैंने सोचा चलिए सुबह सुबह सारे काम जो है कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पोछा ओछा लगा के, और आज तो बाहर नहीं धुलना है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बस पोछा लगा देती हूँ और दोनों कमरे में पोछा ओछा लगा के और फिर जाती हूँ नहाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है पोछा लग चुका है और उस कमरे में लगा के, और फिर जो है बाकी काम जो है वो बाद में करूँगी। फिलहाल मैं अभी सुबह सुबह बस नहा के आती हूँ। गर्मी भी सुबह बहुत लगती है तो इसलिए जितने काम होते हैं उतने कर लेती हूँ और नहा करके फिर खाना बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए। तो देखिए छुट्टी वाला दिन है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं इस दिन भी। तो सारे काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं कपड़े धोने। तो यहाँ पर बाथरूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पर आज थोड़े से कपड़े मैं हाथ से धुल रही हूँ और थोड़े से कपड़े अभी जो है धोने के लिए रखे हैं वो अभी मशीन में धुलेंगे। ये ज़्यादा ही गंदे लग रहे तो फिर मैंने सोचा हाथ से धो देती हूँ। मशीन में ना उतने साफ नहीं निकलते जैसे कि अपन मतलब हाथ से धो लेते, और हाथ से धोते ना तो बहुत साफ निकल आते हैं, मशीन के इतने साफ मुझे नहीं लगते हैं। तो इसमें बेडशीट है और पतिदेव के कपड़े हैं और मेरे बेटे के ये मतलब ड्यूटी वाले कपड़े हैं, और कुछ तो कपड़े जो है वाइट वाले हैं जो कि उसमें बिल्कुल साफ नहीं निकलते, तो फिर मैं उनको हाथ से धोती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर है ना बेडशीट को और इन दोनों जने के कपड़े मैंने इसी में डाल दिए। पहले मैंने अच्छे से निरमे में गहला दिए थे थोड़ी देर के लिए, और अभी मैं इसको हाथ से इस तरीके से रगड़ के और फिर धो के बस अच्छे पानी से खंगार लूँगी। उसके बाद में बस रख देती हूँ मतलब खंगार के, और यहाँ पर बस अभी नाना धोना बचा हुआ है तो बस नहा करके और मशीन में कपड़े भी लगा दूँगी साथ साथ में। तो मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे और यहाँ पर मैं हाथ से धो के फिर डालती हूँ। और यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके हमारे, बस अभी हमारा नाना धोना बचा है, बस नहा करके और फिर मिलती हूँ। और नाश्ते में हमारी बिटिया रानी बना रही हैं चाय और पोहा। तो जब तक मैं नहा धो करके निकलेंगे तब तक जो हमारी बिटिया रानी पोहा जो है तैयार कर देंगी। तो आज एकादशी थी तो इसलिए मैंने पोहा मतलब मैं नहीं खाती, इनको मना करती, पर ये भी जो है चावल वगैरह उस दिन नहीं मानते, खा लेते मतलब बना के। तो जिस दिन मैं किचन में रहती ना तो उस दिन तो मैं बिल्कुल पोहा और चावल वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ थी मतलब काम कर रहे थे तो फिर उधर जो है बिटिया रानी ने पोहा बना लिए थे, तो फिर मैंने सोचा चलिए अभी बन गए तो सब लोग खा लेते हैं। तो मैंने तो खैर नहीं खाए हैं, और मैंने तो सिर्फ जो है चाय पी थी। तो उसके बाद में जो रोटी रखी हुई थी बस वो उसका नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर है ना मेरे जो कपड़े वगैरह धुल चुके थे उसके बाद मैंने वहाँ पर डाल दिए सूखने के लिए। हवा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर कैसे जो है कपड़े टिकेंगे, इतनी ज़्यादा जो है हवा चल रही थी। फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए डाल लिया आगे, मैंने कहा बस बहुत जल्दी भी सूख जाएंगे, धूप इतनी पड़ती है कि 2 मिनट में जो कपड़े सूख जाते हैं, तो इसलिए मैं उधर डाल के आ गई हूँ।
किचन में और यहाँ पर अपने जो है बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ। और आज मैंने सर है ना कई दिन बाद धुला है, ऐसे कि 4 से 5 दिन हो गए होंगे उसके बाद मैं आज धुला। तो सिर पर धो के और यहाँ पर झटक लेती हूँ बाल के, उसके बाद में बस थोड़ी सी चाय वगैरह पी के और फिर बनाती हूँ मतलब कि नाश्ता वगैरह। और नाश्ते में आज देखिए फिर से जो है जो ना खाना चाहो ना बस वही बनता है। जो बात कहते हैं ना कि जो नहीं चाहते ना वो होता है, जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता है, वो ऐसा हो रहा है आज हमारे साथ भी। तो देखिए अब सुबह सुबह तो चाय मतलब चाय और पोहा बन गए, उसके बाद में फिर भी जो है खिचड़ी बनी, जो नहीं चाह रहे थे ना आज वही वही हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने जो है क्या चाय वगैरह पी ली थी, इसके बाद में मिल रही हूँ दोपहर के टाइम। तो दोपहर के अभी करीबन एक बज गया और यहाँ पर खिचड़ी बन रही है। तो खिचड़ी में जो है छोंक दी थी, इसके बाद में यहाँ पर सीटी एक लग चुकी, तो फिर मैंने सोचा चलिए अभी जो है बच्चों को परोस के दे देती हूँ। सुबह मतलब नाश्ता किया था, इसके बाद में अभी हल्का फुल्का फिर से जो है नाश्ता ही चलेगा, चावल का मतलब खिचड़ी का। तो यहाँ पर है ना हमारी जो है खिचड़ी बन के तैयार हो गई, तो इसमें सबको मतलब परोस के दे देती हूँ। तो दोस्तों मेरा जो है छुट्टी वाला दिन कुछ इस तरीके से निकलता है, जो कि सबके लिए मतलब छुट्टी रहती है पर हम महिलाओं के लिए कभी छुट्टी नहीं रहती है। संडे वाला दिन हो का या फिर कोई और दिन हो, वैसे ऐसे ही बीतता है हमारा दिन। तो और यहाँ पर है ना बास्केट में रखे हुए बर्तन, तो बर्तन ढूंढने पे मिलते नहीं है, इतने ज़्यादा बास्केट भर जाती है, छोटे छोटे बर्तन नीचे रह जाते हैं, बड़े रहते वो ऊपर हो गए। तो भी रहना मैंने सोचा पूरी बास्केट को पहले खाली करती हूँ और जो बर्तन चाहिए हो वो यहाँ पर रख के और फिर जो बच्चों के लिए खिचड़ी वगैरह परोस देती हूँ ठंडी हो जाए, उसके बाद में फिर बच्चों को दे देती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर है ना पूरी बास्केट खाली की, उसके बाद में यहाँ पर बच्चों के लिए अभी देखिए खिचड़ी परोस रही हूँ परोस देती हूँ। तो देखिए हमारी जो खिचड़ी बन चुकी है, देखिए इस तरीके से बनी है। इसमें आलू भी पड़े लेकिन लग नहीं रहा है कि मतलब आलू वगैरह होंगे, वो बिल्कुल नीचे हो गए और थोड़ा बहुत तो मतलब हल्दी वगैरह डाली वो ऊपर हो गई। इस तरीके से रहती है ये वाली खिचड़ी, सूखी सूखी खिचड़ी बनती है, गीली वाली भी खाते हैं लेकिन सूखी ज़्यादा उनको पसंद है, तो इसलिए मैं ना सूखी वाली ज़्यादा बनाती हूँ, इनको बहुत पसंद है। गीली वाली बिल्कुल नहीं मतलब अच्छी नहीं लगती है, तो फिर है ना मैं सोचती हूँ जो खाए वही बनाओ, तो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसा खाओ वैसे बना के दो बच्चों को। तो इसलिए मैं है ना सूखी खिचड़ी बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, परोस दी थी तो सबको अभी दे देती हूँ और अब वीडियो का एंड करती हूँ। राधे राधे दोस्तों।